दुष्यंत कुमार जी की इस गजल के साथ सब रंग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। स्वर्गीय दुष्यंत कुमार जी आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध रचनाकार थे। उन्होंने हिंदी साहित्य के विभिन्न विधाओं में लिखा है, लेकिन हिंदी साहित्य में उनका एक बड़ा विशेष योगदान है जो कालजयी है। उन्होंने पहली बार उर्दू से निकल के हिंदी भाषा में गजल गाने की और कहने की परंपरा शुरू की। हम अक्सर हमारे ज़िंदगी में काफ़ी सारे मसलों को पोइट्री के थ्रू हम बयां करते हैं। आज प्रोग्राम की शुरुआत मैंने जिस गज़ल से की वो उनकी ही लिखी हुई है, और इस गज़ल में एक और अनोखी बात है। जो इस गज़ल को कंपोज़ किया है वो हमारे हिंदी बॉलीवुड फिल्म के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक श्री कुलदीप जी हैं। कुलदीप जी हमारे देश को एक ऐसा बेहतरीन मोटिवेशनल सॉन्ग दिया है जो मेरे ख्याल से हर भारतीय के जुबान पे है। कितनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। उन्होंने फिल्मों में गजल को भी एक नया रूप दिया है। उनकी फिल्म साथ साथ में जो गज़लों का बुके बना वो आज भी हम लोग गाते हैं, और इनफैक्ट जगजीत सिंह साहब के इनिशियल स्टेज में उनको ये गाना मिला कुलदीप जी से, जो उनके लिए भी माइलस्टोन साबित हुआ। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना बारे में मैं इतना इसलिए जानती हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, और गज़ल को भी लेके वो अलग तरीके से काम कर रहे हैं। उनके सुपुत्र गज़ल मैस्त्रो श्री जसविंदर सिंह जी भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। कुलदीप जी सिर्फ बॉलीवुड तक ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं रखे हैं, वो बहुत सारे और भी प्रोग्रेसिव सब्जेक्ट्स पे काम करते हैं। वो इप्टा के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने काफ़ी सारे स्टेज में एक्टिंग भी की है, और वो नए टैलेंट्स को बहुत प्रोत्साहन देते हैं, उनको सिखाते हैं, वो गज़ल के बारे में समझाते हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं
वो भी इन्हीं के मार्गदर्शन से आज एक ऐसे जगह पे पहुंची है जहां उनकी एक विशिष्ट स्थान है म्यूजिक इंडस्ट्री में। वो एपिसोड टीवीएस सारेगामा का जब वो छोटी सी सिंगर आई थी और कुलदीप जी जज थे। तो चलिए आज हम मिलते हैं हमारे आर्टिस्ट से, हमारे मेहमान से, टीवीएस सारेगामा की नेहा चांदना। तुमसे मैं ये तो नहीं पूछूंगी कि तुम सारेगामा में आई कैसे, लेकिन मैं ये जरूर तुमसे पूछूंगी कि इतने कम उम्र में तुमको जो स्टारडम मिला था सारेगामा में, वो तुमने कैसे हैंडल किया? सारेगामा में जब मैं पहली बार आई, आई वॉज 16 ईयर्स ओल्ड, यू आर राइट, आई वॉज वेरी यंग, एंड तब मैं फर्स्ट MBBS में थी। सो मेरा एपिसोड आते ही मैं बहुत नोन हो गई थी, एंड यू नो आई गॉट अ टेस्ट ऑफ सक्सेस एंड फेम, हाउ पीपल गेट यूज टू एट अ यंगर एज, हाउ यू डाइजेस्ट सक्सेस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट मेरा फोकस एकदम क्लियर था कि मुझे डॉक्टर होना था, सो वॉट एवर आई टेक इन हैंड आई डू 100%। आई कम्प्लीटेड माई MBBS, साथ साथ मैं म्यूजिकल प्रोग्राम्स भी बहुत किए और रिकॉर्डिंग्स भी शुरू कर लिए थे तब तक। I had only two things in my mind, music and medicine. So it was easier. तुम्हारे करियर में मैं एक छोटा सा गैप देखती हूँ। मैं ये जानना चाहूँगी तुमने उस गैप को कैसे ओवरकम किया and how you became such a successful artist. Yes, I would say कि मेरे लाइफ में मेरा MBBS होते ही सारे का मत जीता वही दौरान, और उसके बाद मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए और हिंदी में भी गाए, शंकर एहसान लॉय के साथ एक फिल्म में गाया, उनके साथ टूरिंग भी किया मैंने, और साथ में मेरी शादी भी हो गई थी बाय एंड ऑफ MBBS। और विद इन वन एंड हाफ ईयर आई गॉट आलिया, माय डॉटर, सो आई हैड टू चूज, आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स इन माय प्लेट। सो हिंदी इंडस्ट्री इज़ वेरी टफ टू मैनेज बिकॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उधर, और मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, सो सिंस आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर आई रिज्यूम्ड माय प्रैक्टिस आल्सो, मेडिकल प्रैक्टिस, और साथ साथ मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ आई वो मैं लेती गई, और मराठी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, सो साइमल्टेनियसली आई कुड डू बोथ द थिंग्स, बट इवेंचुअली म्यूज़िक टुक ओवर, और बहुत सारे कवर वर्जन्स, बहुत सारे प्लेबैक सॉन्ग्स मराठी फिल्म्स के, उसकी वजह से एक अलग, फिर यू गेट नोन फॉर योर ओन सॉन्ग्स, सो दैट एरा इन माय लाइफ स्टार्टेड। सो आई हैड टू लेट गो मेडिसिन एंड फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन म्यूजिक, सो दैट्स व्हाई दैट बीच का जो बैलेंसिंग एक्ट था फ्रॉम मदरहुड टू म्यूजिक टू मेडिसिन, सब तीनों संभाल के करना करने के लिए थोड़ा सा टफ था पीरियड मेरे लिए। हमारे जितने आर्टिस्ट हैं जिनसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनको आप तक पहुंचा रहे हैं, उनके साथ सारेगामा के कारण एक बहुत ही फैमिली सा बॉन्डिंग हो चुका है। इन 25 सालों में हम इन एक दूसरे को इतना अच्छा जानने लग गए हैं कि इट्स मोर लाइक अ फैमिली। फैमिली की बात पे मुझे याद आया कि हम नेहा से पूछते हैं कि नेहा का फैमिली सपोर्ट कैसा रहा? ऑफ कोर्स एनीबॉडी कि जिसको फैमिली सपोर्ट
मिलता है वो उसका करियर डेफिनेटली बहुत जल्दी शेप अप हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है. बिकॉज पर्सनल लाइफ में जब आप हैप्पी रहते हो और पर्सनल लाइफ आपकी सॉर्टेड रहती है, तब आपका करियर भी बहुत सॉर्ट आउट हो जाता है. एंड इट्स अ हेल्दियर वे टू लिव योर लाइफ ऑल्सो. सो शादी के बाद स्पेशली गर्ल्स, व्हेन गर्ल्स, फीमेल सिंगर्स जब शादी करते हैं तो उन पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग आ जाती हैं. सो मैं मेडिसिन भी कर रही थी. सो मेरी जो सासू माँ है, शी इज़ वेरी वेरी क्यूट लेडी एंड शी इज़ अ वेरी लविंग लेडी. वो चाहती है कि उनकी बहुएँ बहुत करियर में आगे जाएं. और दैट्स वाई मतलब यू वॉन्ट बिलीव, मुझे हार्डली 2-3 डिशेस बनाने आती थी जब हमारी शादी हुई. सो माई सासू माँ यूज टू मेक फूड फॉर मी, इनफैक्ट उल्टा. एंड माई हस्बैंड, ही ऑलवेज वॉन्टेड अ करियर वुमन, क्योंकि वो चाहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग रहे आगे के फ्यूचर के लिए ऑफ इंडिया और ओवरऑल फ्यूचर. सो आई वॉज लक्की टू गेट ग्रेट पीपल अराउंड मी, हैप्पी पीपल अराउंड मी एंड सपोर्टिव पीपल अराउंड मी. एंड माई मदर फादर इज़ ऑफकोर्स अ पार्ट ऑफ माई करियर, दे एक्चुअली बिल्ड माई करियर. मेरी मदर डॉक्टर है और हमेशा उनको मैंने देखा हुआ है हाउ शी हील्स पेशेंट्स. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर. तो वो फोकस मेरा लॉन्ग टर्म गोल हमेशा से क्लियर था. म्यूज़िक ऐसा है कि वो मेरी हॉबी रही है हमेशा से. हमेशा से मतलब मैं 4 ईयर्स की थी तब से मेरे पापा मुझे सिखाना शुरू किए म्यूज़िक. और फिर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन, स्टिल सारेगामा का ऑडिशन. बट आई एम नोन एज नेहा राजपाल, दैट इज़ आफ्टर मैरिज वाला नाम है मेरा राजपाल. सो आई दे आर अ बिग पार्ट ऑफ माई करियर. आई यूज टू ट्रैवल व्हेन आलिया वाज सो स्मॉल. सो बहुत स्ट्रगल किया है बट सब मिल के ही हम एक साथ आगे गए हैं. और अब क्या सोच रही हो आगे करने का, क्या प्लानिंग्स है तुम्हारे? आई डोंट प्लान मच, आई डू माइक्रो प्लानिंग. जैसे सुबह उठ के मुझे क्या टाइम पे क्या खाना है, क्या काम करना है, डे का प्लानिंग, मे बी अ वीक का प्लानिंग आई डू, जो मेरे हाथ में टास्क होते हैं उस हिसाब से. बट आई डोंट प्लान मच. जो मेरे पास अपॉर्चुनिटी आती है उसको मैं ना नहीं बोलती, मैं वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेती हूँ. अगर नहीं आया तो वो सामने वाले बोल देगा नहीं आपको जम रही ये बात. बट आई एक्सप्लोर वॉट एवर कम्स माई वे एंड आई एम वेरी इंस्टिंक्टिव. जैसे आई इंस्टेंटली से येस और नो टू अ थिंग, लाइक इवन मैरिंग माई हस्बैंड आई सेड इंस्टेंटली येस. इनफैक्ट ही सेड येस, आई प्रपोज्ड एंड ही सेड येस. क्वारंटाइन का वक्त है, सब ये जानना चाहते थे कि तुम कैसे निकाल रही हो अपना वक्त. लॉकडाउन मोमेंट्स आर वेरी टफ फॉर एवरीबडी, बहुत चैलेंजिंग टाइम है सबके लिए. राइट फ्रॉम फाइनेंसेस, राइट फ्रॉम मेंटल हेल्थ, राइट फ्रॉम फिजिकल हेल्थ. आप अपने जो हाउस हेल्प है उनको नहीं बुला सकते हो, सो आपको सारा घर का काम खुद करना पड़ रहा है. आप रेस्टोरेंट से जो टेकअवेज लेते थे या डिलीवरीज लेते थे या रेस्टोरेंट में जाते थे, वो खाना बच्चे घर पे बनाने के लिए बोल रहे हैं. सो आप वो नई चीज़ सीख रहे हो. एंड सेल्फ रिलायंस, जैसे मोदी जी बोले हैं कि आत्मनिर्भर, उन्होंने एक्चुअली आत्मनिर्भर कर दिया है हम लोगों को. हम लोग सब खुद करने की कोशिश कर रहे हैं. आई एम हैप्पी अबाउट इट बट इट्स स्ट्रेसफुल, फिजिकली एंड मेंटली थोड़ा ड्रेनिंग है. बट गुड वाइब्स अराउंड यू एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. वी आर 3 ऑफ अस टुगेदर. मेरे मम्मी पापा मेरे उनके घर पे हैं, मेरे सास ससुर उनके घर पे हैं. सो वो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे नहीं मिलना इज इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. बिकॉज आप हेल्दी हो, आप कैरियर हो सकते हो, लेकिन वो वल्नरेबल है, आप जाके उनको इन्फेक्शन लगा सकते हो. सो इवन इफ
द लॉकडाउन ओपन्स डोंट गो आउटसाइड एंड एज मच एज पॉसिबल ट्राई टू बी मोटिवेटिंग ईच अदर. ओली ती माती ओला तो गंध ओली ती सांज तुझा सुगंध माझा मनात एक तू माझा श्वासात एक तू हो पानात तू दवात तू रोम रोमातच तू सरीत तू लहरतीच तू ओली ती माती ओला तो गंध ओली ती सांज तुझा सुगंध. एक डॉक्टर होने के नाते मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हारा हेल्थ मंत्रा क्या है. माय मंत्रा टू हेल्दी लाइफ इज हेल्दी माइंड. आप अगर हेल्दी माइंड रखते हो तो अपने आप सब चीज़ें करेक्ट हो जाती है, 100% हो जाती है. बिकॉज यहाँ से ही सारा ड्रीम्स तैयार होता है और ड्रीम्स रियलिटी में आप कर सकते हो. एक डॉक्टर करके मुझे ऐसा लगता है आप जितना सोशल डिस्टेंसिंग करोगे इवन आफ्टर लॉकडाउन इज ओपन्ड एंड मास्क यूज़ करना एंड सैनिटाइज करना, हाथ धोना, दीज आर थ्री इम्पॉर्टेंट पिलर्स विच यू नीड टू फॉलो लाइक फॉर अनदर 6 months और ईयर. बिकॉज करोना के 8 स्ट्रेन्स है, उसका वैक्सीन आने में एटलीस्ट 18 months है. कोई ड्रग आ गया तो इट विल बी अ मिरेकल. टिल देन यू हैव टू यूज मास्क एंड वॉश योर हैंड्स कॉन्स्टेंटली. तो ये थी हमारी मेहमान नेहा राजपाल. आपने देखा किस तरीके से शी मैनेज टू डू बोथ द थिंग्स टुगेदर, आई मीन हर म्यूजिक एंड हर मेडिकल करियर, एंड इन बोथ द वे शी हैज़ बीन अ सक्सेसफुल पर्सन. आज हमारे पॉजिटिव गुरु के जगह पे हम दुष्यंत जी की कुछ कविताओं का पाठ करेंगे और इसके लिए हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है बहुत ही मशहूर शायरा प्रज्ञा शर्मा जी को. आप सभी को सलाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ. आज सोमा जी के इसरार पर, उनके हुक्म पर दुष्यंत कुमार की कुछ गज़लें जो मुझे भी बेहद पसंद हैं आप सबों के बीच हाजिर करती हूँ. एक गज़ल का मतला देखें कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ. और शेरियों की एक जंगल है तेरी आँखों में, एक जंगल है तेरी आँखों में. मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ. और एक शेर बेहद मकबूल हुआ इस गज़ल का, आप सब मतला सुनते ही उस शेर तक पहुंच गए होंगे यकीनन. वो शेर यूं कि तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ. और ये शेर कि हर तरफ एतराज़ होता है, हर तरफ एतराज़ होता है, मैं अगर रोशनी में आता हूँ, मैं अगर रोशनी में आता हूँ, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ, और ज़्यादा वज़न उठाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ. और ये शेर कि मैं तुझे भूलने की कोशिश में और ज़्यादा करीब पाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ. और शेर आखिर कि कौन ये फासला निभाएगा, मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ,
मैं फरिश्ता हूँ सच बताता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर थर आता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। अब आइए दुष्यंत कुमार की अगली गज़ल की ओर लेकर चलती हूँ आपको। मतलब देखें कि कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। और ये शेर देखें कि जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, जले जो रेत में तलवे तो हमने ये देखा, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए, बहुत से लोग वहीं छटपटा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए। और ये शेर देखें, खड़े हुए थे अलावों की आँच लेने को, खड़े हुए थे अलावों की आँच लेने को, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए, सब अपनी अपनी हथेली जला के बैठ गए, खड़े हुए थे अलावों की आँच लेने को। और ये शेर बतौर ख़ास कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए, तमाशबीन दुकानें लगा के बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। लहूलुहान नज़ारों का जिक्र आया तो, लहूलुहान नज़ारों का जिक्र आया तो, शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए, लहूलुहान नज़ारों का जिक्र आया तो, शरीफ लोग उठे दूर जाके बैठ गए। और ये शेर के ये सोच कर कि दरख्तों में छांव होती है, ये सोच कर कि दरख्तों में छांव होती है, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए, यहाँ बबूल के साए में आके बैठ गए, कहीं पे धूप की चादर बिछा के बैठ गए, कहीं पे शाम सिरहाने लगा के बैठ गए। दुष्यंत कुमार की एक और बेहद मकबूल गज़ल मैं आप लोगों के बीच हाजिर करती हूँ, जिस दौर में सुनो उस दौर की ही मालूम देती है। गज़ल का मतलब यूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और शेर देखें कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। और एक शेर देखेंगे, हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और आखिरी शेर की, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में से।
हो कहीं भी आग लेके ना चलनी चाहे। शुक्रिया। इसी संदर्भ में मैं एक और मूर्धन्य साहित्यकार की चर्चा करना चाहूंगी जिनका 21 मई को जन्मतिथि थी। हिंदी साहित्य के मशहूर व्यंग्यकार स्वर्गीय श्री शरद जोशी जी की बात कर रही हूँ। शरद जी की रचनाओं को किसने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जितने बार भी पढ़ते हैं वो हम मुझे शायद आपको भी हर किसी को बहुत तरोताज़ा लगता है और बहुत ही प्रासंगिक लगता है। शायद इसका कारण इन महान साहित्यकारों की अंतर्दृष्टि होती है जो ये अपने समय से आगे का देख लेते हैं। शरद जी को हमारे तरफ से, सबरंग के तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। उनकी सुपुत्री नेहा शरद जी इस पीरियड में, उनके जन्मतिथि के पीरियड में कुछ अच्छे से अच्छे प्रोग्राम्स क्यूरेट किए हैं और जो आप YouTube में जाके डेफिनेटली देखिएगा, बहुत ही एनरिचिंग है, बहुत ही एंटरटेनिंग है और ज्ञानवर्धक भी है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, 17 मई को हमारे देश के इंटरनेशनल फेम गज़ल सिंगर पंकज उदास जी का बर्थडे था और सबरंग की टीम और सबरंग के ऑडियंस के तरफ से उनको ढेर सारी बधाई है। उनकी गाई हुई एक गजल से इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। नमस्कार।